राम का नाम लिया सबकी समक्ष आई है। शिव जी का ध्यान खुला, आकाश मार्ग से कुछ विमान जा रहे थे। सती ने कहा ये कौन कहां विमान जा रहे हैं? ये आपके पिता को प्रजापति बनाया गया है, वहां यज्ञ है, ये सारे विमान वहीं जा रहे हैं। तो हमारी माताओं को अक्सर प्रेम माँ के घर में ही होता है। और अब साइड में तो ये भी बताया जाता है कि बच्चों से अगर कहे कि माँ बीमार है तो कहता है ठीक है तुम अस्पताल लेके चलो, मैं काम करके दो दिन बाद आऊंगा। और अगर बेटी को पता लगे कि माँ बीमार है तो जैसे वैसे भागकर पास में आ जाएगा। माँ का प्रेम बेटियों पे बहुत होता है जी। 8 साल की रहे तब से दिखावे बब्बा इसके हाथ में क्या लिखा, इसका ब्याह तो हो जाओ अच्छे घर में। सारी चीजें दिखाते रहे, इसका ब्याह हो जाएगा, क्या शादी हो जाएगा, क्या परिवार हो जाएगा, क्या। अब घर से जब बेटी जाती है तो 1 किलो दाल में उसका क्या होगा, संसार थोड़ी चलेगा जी। 1 डब्बी अचार में भी कुछ नहीं होगा, लेकिन माँ इतना ताजा भर के बांध देती, बेटा इसे लेके जाइयो, प्यार होता है, अपार समय है। तो जैसे ही माँ के पिता के घर की बात आई, सती व्याकुल हो गई है कि मैं भी जाऊं। भगवान शंकर ने कहा कि आप मत जाओ, आवाज भी अगर पति देवता कह दे मायके में शादी है और वो कह दे नहीं जाना, तो मेरे ख्याल से 4-5 दिन भोजन बाहर करना पड़ेगा। आचार्य जी ससुराल पक्ष में कोई शादी ब्याह है शुभ कार्य हो और देवी जी कहे मुझे वहां जाना है, आप कहना मत जाओ, तो 2-4 दिन भोजन की व्यवस्था कहीं और ही करनी पड़ेगी, बिस्तर की भी व्यवस्था करनी पड़ सकती है अगर विवाद ज्यादा बढ़ जाए तो। ऐसे त्रियाहट, राजहट, बालहट, घोड़ाहट और साधु का हट, ये हटियोगियों से दूरी रहे तो बनाई। ये माई खुश हो जावे तो बच्चे को मुंह पे गोद में लेकर पुचकारे, और जब मूड में ना आवे तो कान पे भी मारे। माँ तो माई है, इनके मन में भाग्या तो रात दिन मेहनत कर करके उनको जुनून सवार हो जाएगा, वो रात दिन थकी रहेंगी, बस मेरा लल्ला मेरा लल्ला मेरा लल्ला नू मेरा लल्ला नू। और एक बार लल्ला ने कभी गलती से खेलते खेलते ऐसे पंजा मार दिया तो लल्ला की ऐसी तैसी तो पूरा लाल ही कर दे लल्ला तो। मारा गुजरात का करे चंदा गुजरात में था इस मारा गुरुधाम से गौर तो मैं क्या रही है गुजरात में होता है ऐसा। माता को माँ के घर से विशेष प्रेम होता है। कहे नहीं मुझे जाना है तो शिव ने एक निर्णय निकाला कि पिता के घर बेटी, पिता के घर बेटी और गुरु के घर शिष्य, बिना बुलाए जावे तो उसे हर समाज हर तरीके की व्यवस्था होती है, अपमान नहीं। कहे आखिर आपको बुलावा क्यों नहीं आया? कहे एक बार मेरे कारण देव समाज में उनको अपमान लगा। तो कहते ना अरे मेरे 4-4 फैक्ट्री, मेरा बेटा ऐसा और ये मेरा दामाद फटे चप्पल में आ गया, इसे मेरी इज्जत का भी ख्याल ना है ना। और वहां तो भोलेनाथ की महिमा है क्या जी, मस्त मलंगा जोगी एक नंदा, मस्त मलंगा जोगी एक नंदा, जोगी एक नंदा।
Oh,
सती को भेजा गया और वहां जाकर वह क्या तिवारी बाबा भगिनी मिली बहुत मुस्का। अगर आपको ठीक है आध्यात्मिक दृष्टि से अगर गुरु के घर शिष्य बिना बुलाए जाए या पिता के घर बेटी बिन बुलाए जाए तो उसमें अपमान नहीं, लेकिन फिर भी हर आदमी में इतनी बुद्धि नहीं होती है। सती जब पहुंची है दक्ष के यहां तो उनकी बहनें मिली, भगिनी मिली बहुत मुस्का, बहन मिली आ गई बिन बुलाए मेहमान, अपमान बिना बुलाए आ गई, अरे क्या है इसके। और भाई जब आपके बुरे दिन आ जावे ना तो आपत्ति काल परखिए बताएं तो चार का पहचान होता है, धीरज कितना है, धर्म आपके अंदर कितना है, मित्र कैसे हैं आपके और आपकी पत्नी। कहते हैं हरि जी कि रहि मन विपदा हूं बली जो थोड़े दिन हो हित अनहित जगत में पर मुसीबत। अरे मुसीबत आवाना चाहिए, मुसीबत आना चाहिए, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी गुजराती मराठी चमा जाती है। आपको मुसीबत आनी चाहिए थोड़े दिन के लिए, पहचान हो जाता है कि आपका अपना कौन और आपका बुरा वक्त है। शादी ब्याह पार्टी में जाएंगे ना तो आपके अपने कहेंगे चलो तो उधर चलते हैं, क्यों, अरे वहां है ना बफर सिस्टम है, अच्छा भोजन है, पनीर है, उधर बच्चा तो क्यों, अरे वहां पर वो खड़ी है ना वो चंचला, उसके आजकल बुरा दिन है, उधर जाएंगे कहीं उन्हें मांग लिया तो ना करते आवेंगे ना जी, और नहीं देंगे तो बात बिगड़ जाए, इससे अच्छा उसके पास जाना ही नहीं। बुरे वक्त में श्री पुरो ठाकुर आपका साथ देता है, इंसान देने वाला नहीं। सती पहुंच गई है, सारी बहनें व्यंगात्मक दृष्टि से चर्चा कर रही है, भाई नहीं मिल रहा है, पिता के साथ तर्क होने लगा। और भरी समाज में आचार्य जी पति का अपमान होने लगा। भारत की नारी मिटा सकती है लेकिन वास्तव में सती है तो वृंदा जैसी होनी चाहिए, जो सम्राट जालंधर राक्षस की पत्नी होते हुए भी ऐसी परमात्मा की पुजारण रही कि उसके सतीत्व से कितनी बार पति का प्राण बचाया और बाद में भगवान ने आकर उसे स्वयं अपनाया और कह दिया है वृंदा जा, तेरे भक्ति से इतना मैं प्रसन्न हूं कि कलयुग में त्रेता और द्वापर में मेरे दो अवतार होंगे और दोनों अवतारों में तेरे भोग के बिना मेरा भोजन अधूरा रहेगा, स्वयं शालिग्राम बनकर मैं तुझसे विवाह करूंगा। वही सम्राट जालंधर की पत्नी वृंदा, एक रामा तुलसी है तो दूसरी श्यामा तुलसी है।
नारी के सतीत्व में इतना बड़ा प्रभाव है, लेकिन सती होना चाहिए। सती के सामने बार बार उनके पति का अपमान होने लगा। कह नहीं, अब नहीं सहन कर सकती मैं, और योग अग्नि से अपने आप को भस्म कर डाला। इसलिए कहते हैं कि आने को आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाए, जहां कंचन बरसे। परमार लोक कल्याण ईश्वर प्राप्ति, तो सारे कार्य सिद्धि में जाते हैं। और अगर यज्ञ का कारण किसी का अपमान करना, धन कमाना, किसी को नीचा दिखाना, तो उसका कोई मतलब होता नहीं जी। हम 7 दिन नहीं, 1 महीना भागवत करें तो कोई मतलब नहीं। पता लग जाएगा कि बेचने वाला बेईमान था और लेने वाला परेशान था। एकाग्रचित होकर परमार्थ की भावना, ईश्वर की प्राप्ति, सर्वे संत निरामया की भावना से कथा सुने तो जीवन में परिवर्तन होगा। स्तुति पूर्णाहुति कौन करेगा? है ही नहीं कोई ना। प्रजापति का सिर काट दिया गया है तो आप देखेंगे वहां एक उदाहरण आता है कि बकरे का सिर लाके प्रजापति के सिर को बिठाया गया। मानव को जीवन देने के लिए यहां पर 2 बार जानवर की उपलब्धि के लिए, 1 बार हाथी गणेश के लिए, और यहां तो सबने मिलकर के स्तुति की है कि महाकाल प्रलयंकर शंकर, महाकाल प्रलयंकर शंकर, तेरे ही गुण को गाते हैं। सब देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की है, आप भी करें कर्तव्य से ठाकुर की सेवा। महाकाल प्रलयंकर शंकर, तेरे ही गुण हम गाते हैं। और बस जाओ मेरे मन मंदिर में, आओ से तुम्हें बुलाते हैं। बस जाओ
की, बाबा योगेश्वर की। और बस जाओ तेरे मन मंदिर में, आव से तुम्हें बुलाते हैं। बस जाओ मेरे मन मंदिर में, आव से तुम्हें बुलाते हैं। चरु जब पूरा भर के ऊपर आ जाए तभी उसे पूर्ण कहा जाता है। और यज्ञ के बाद उसमें जो द्रव्य होता है वो भस्म में बदल जाए तब यज्ञ की पूर्ति होती है। और यज्ञ का दूसरा स्वरूप है कि घी हवन सामग्री जलाने को ही यज्ञ नहीं कहते। अगर कोई गरीब कन्या है, समाज की कुदृष्टि का शिकार हो रही है, आपने उसका विवाह कर दिया तो किसी यज्ञ से कम नहीं। कोई बच्चा है, शिक्षा का अभाव है, जिज्ञासु है,
उसे शिक्षा की व्यवस्था दी तो किसी यज्ञ से कम। कोई ऐसा प्राणी है जो मर गया है, उसका कफन देने वाला नहीं है, अंतिम संस्कार करने वाला नहीं, अगर आपने वो कर दिया तो भी किसी यज्ञ से कम। कहने का श्रेय है कि बिना स्वार्थ की भावना के निष्काम भाव से किया हुआ कोई भी परमार्थ का कार्य यज्ञ से कम नहीं। भगवान शंकर सती के उस शव को हाथ में लेकर घूमने लगे, क्या प्रेम है। सती के कंकाल को हाथ में लेकर घूमने लगे, तड़प रहे। भगवान विष्णु ने कहा इस सृष्टि में तो ये शिव ही नहीं तो क्या होगा, विराह गए। दुनिया के सबसे संपत्ति में जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो अगर वही चला जाए तो, जिसे दुनिया टुकराए उसे वो पा लिए, जिसे वही टुकरा गई वो फिर कहां जाए। तड़प रहे हैं। एक दिन भगवान विष्णु ने कहा तो सृष्टि के सारे नियम भंग हो जाएंगे, कैसा, और चक्र उठाया और उसी चक्र से उस शव के 9 टुकड़े किए गए। द्वितीय ब्रह्मचारी तृतीय चंड घंटे चतुर्थक पंचम स्कंद माते कष्टम कात्यायनीति च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रे कालरात्रे चयष्टकम् नवमं सिद्धरात्रे च नव दुर्गा रकीर्तिता। नौ देवियों की उत्पत्ति हुई, आए अपने प्रसंग पर भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि बापन पूत पनातन घोड़ा अदा ज्यादा कुछ थोड़ा थोड़ा। पिता के हिसाब से पुत्र और दादाजी के हिसाब का नातू घर में जरूर होता है। कई बार आपने देखा है बच्चा आता है कुल में तो कहते हैं हमारा दादा है, क्योंकि उसके गुण धर्म आपके पिता के पिता जैसे नहीं। संस्कार जड़ से बनते हैं, बाहर से नहीं, आए उस सृष्टि की संरचना की तरफ से। तपम तपो विविध लोक आदो सनात सत्प सहस चतुसनो अभूति प्राकल्प संपल्लव विनष्ट मिहिमा तत्व सम्यक जगाद मुनयो यद चक्षयात्मन। कल आपने दत्तात्रेय सहस्त्रार्जुन तक की बात सुनी, अब यहां सिद्धियों को प्राप्त करने वालों की उत्पत्ति बताई गई है। तो सन क्या नाम था अर्जुन, सन सन से सनक सनंदन सनक इनकी उत्पत्ति हुई है। अब यहां पर उपदेश की बात आती है, देश और उपदेश। देश और उपदेश यानी दूसरे देश की भी तुलना की जाती है, लेकिन उपदेश के मतलब होता है शिक्षा ज्ञान देना। यहां आत्मज्ञान की बात है। आत्मज्ञान क्या है, बैखरी पराबैखरी की व्यवस्था है। जैसे एक आदमी को आप खूब पढ़ाते हो उसे कुछ भी स्मरण नहीं होता जी, लेकिन वो एक बार ऐसे आपसे सुन ले तो उसे सब कुछ स्मरण। ज्ञान कितने, बैखरी पराबैखरी प्रोक्ष और अप्रोक्ष, चार प्रकार के। अब सनक
सनत कुमार। यहाँ पे धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से कौन पैदा हुए? नारायण। नर नारायण की लीला और कृति रही कि कामम दहन्ति कृतनौ, कामम दहन्ति कृतनौ ननु रोष दुष्ट, रोषम दहन्तमुत्तेन सोयम यदंतरमलम प्रविशनम विभेति काम कथम न पुनरस्य मनः श्रये। नर और नारायण के रूप में प्रकट हुए। तो इन्होंने जब ध्यान साधना जब तक किया तो दुनिया में संतों से भक्तों के सबकी साधना से डरने वाले देवता कौन है? इंद्र महाराज। उन्हें ही भय लगता है कहीं सन्यासी यज्ञ करे तो बारिश करवा देंगे, और मेरे साथ तो ऐसी व्यवस्था लगी हुई है। आचार्य जी आपने मेरे कई अनुष्ठान किए हैं, जहां भी बिना बारिश के बारिश हो जाती है जिस में पहुंचो। कितने अनुष्ठान आप मैंने कर चुके हैं, 3 महीने का एक अनुष्ठान कर चुके हैं, 2-2 नौचंद भी कर चुके हैं, अभी ढाका में भी एक हो गई है, 5-6 में तो आप साथ में हो। जैसे जिस दिन मंगल कलश यात्रा होगी उस दिन बिना बादल का बादल आ ही जाता है बारिश में। अब कल भगवान जी बचावे कल भी कुछ आसार है, क्योंकि इसका महत्व यह है कि जहां भगवान का संकीर्तन होता है, यज्ञ के अंत में अगर बरसात नहीं हो तो उस यज्ञ को पूर्ण नहीं माना जाता है। यज्ञ के शुभारंभ में अगर बरसात नहीं हो तो उसे मंगल काम का सूचक नहीं माना। हनुमान हा हते हनु यानी शत्रुवर्धन का सूचक। नूतन कौन है? सूर्य। मंगल कौन? मंगल कार्य करने वाले नव मंगल, उनके मन से शत्रुओं का विनाश, सूर्य की तरह यश और सदैव जीवन में मंगलमय नित नव मंगल व्यवस्था होती है जो हनुमान का नाम लेते हैं। ऐसे ही जब हम यज्ञ करते हैं तो सूक्ष्म रूप से यहां सारी शक्तियां आती हैं, और इनमें इस यज्ञ में वरुण देवता की प्रसन्नता यज्ञ संपन्न होने का संकेत। नर नारायण तपस्या में बैठते हैं तो देवराज इंद्र के द्वारा भेजी हुई अप्सराएं काम आकर के उन्हें रोकते हैं। साधना के अवरोध है जी दुनिया में। तिवारी बाबा सबसे बड़ी मोहनी कौन सी है? समझ गए ना आप लोग? जो समझ रहे हैं वो नहीं है सबसे बड़ी मोहनी। सबसे बड़ी मोहनी संगीत है, और साधना में स्त्री जाति जो है ना इसकी कोख से वैराग्य पैदा है। वैराग्य की जननी नारी है, अहिंसा की कोख से दया होता है। साधना में प्रगति में जब आप आगे बढ़ोगे तो 4 चीजें रास्ता रोकती है आपका, कंचन कामिनी मान और सम्मान। यहां वो चीजें भेज रही हैं। कई बार लोग ऐसा ना जाने कि मैं कह रहा हूं, मैं श्लोक भी बता दूंगा क्यों आचार्य जी, द्वितीय स्कंद का 6वां श्लोक जहां प्रमाणित किया है कि नर और नारायण जब तपस्या करने गए तो कामदेव ने अपनी अप्सराओं को भेज दिया। इसलिए भेज दिया कि अगर यह सिद्ध हो गया
तपस्वी हो गया तो कहीं मेरा आसन इसलिए कहा कि नैना की जख्मे बड़ी भाव करत गंभीर और देखन में छोटी लगे भेदत सकर आंखों में नहीं देखना चाहिए जल्दी अगर आपके अंदर संभलने की ताकत नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि यहाँ हिता नाड़ी का वर्णन है अभी आप लोगों को योगी लोग तीन नाड़ियों में भटका कर रखते हैं इंगला पिंगला सुष्मा ये तीनों श्वास संग्रह की नाड़ी है इससे परे एक नाड़ी है हिता जिसका काम है कैमरे जैसा यहाँ शूट कर लेते हैं अंदर जाए तो फुटेज आंखों का काम बता दूं आप इन आंखों से आपने किसी चीज को देख लिया तो देखते देखते इसमें वो चीज उतर गई जब आप एकांत में होंगे ना ये शरीर स्थूल से सूक्ष्म में जाएगा तो उस समय वो चीज बहुत चल कर अगर दोनों की तरफ से समर्पण की व्यवस्था है जीवात्मा और परमात्मा की वहां तो आनंद है क्यों जी फिर तो बात ही अलग है कि बसो मेरे नैनन में मस्तक अरुण तिलक क्या आचार्य जी अरुण तिलक भाल का